परचेज कमेटी की मीटिंग वैसे तो महीने पर बात करते हैं, लेकिन विशेष कारण से थोड़ा जल्दी करनी पड़ गई थी, क्योंकि जो हमारे पावर प्लांट्स हैं उन पावर प्लांट्स में जो पोल्यूशन के कारण से जितना एमिशन धुएं का हो रहा था उसके कारण से एक टाइमलाइन उसकी तय की गई थी। एनजीटी ने टाइमलाइन तय की थी, उसके कुछ ऑपरेटर्स है उसको खरीदना था और साथ में कुछ बैंडविड्थ सर्विसेज, इसका भी एक महत्वपूर्ण टेंडर था। कुल 8 आइटम में से 5 आइटम्स का आज एक प्रकार से फाइनल हुए हैं टेंडर्स। जो बैंडविड्थ का था वो 21 उसकी कैटेगरीज थी, अलग अलग स्थानों पर, पंचकुला का अलग था, गुरुग्राम और फरीदाबाद का अलग था और बाकी हरियाणा का एक अलग टेंडर था। तो तीनों जगह अलग अलग बैंडविड्थ, 10 मेगाबाइट्स का, 20 मेगाबाइट्स, 50 मेगाबाइट्स, 100 मेगाबाइट्स, 500 मेगाबाइट्स, 1000 मेगाबाइट्स, तो ऐसे अलग अलग प्रकार की कैटेगरीज थी और कई उसमें वेंडर्स थे। और इसी प्रकार से सभी जो 5 टेंडर्स हैं उसमें 92 करोड़ रुपए की परचेज एक बार की गई है, जिसमें कुछ रेट कॉन्ट्रैक्ट भी है, परचेज भी है और जो नेगोशिएशन के माध्यम से लगभग 3 करोड़ रुपए की बचत आज हुई है, ऐसा कह सकता हूँ। ये जानकारी आप ही मुझे दे रहे हैं कि उनको पैरोल मिली है, और अगर मिली है तो कोई प्रोसीजर के अंतर्गत मिली होगी, कोई उनका अधिकार होगा, इसमें हम कोई न दखलंदाजी करते हैं ना कभी करेंगे। ये तो हर व्यक्ति, हर कैदी जो होता है उसके अपने व्यवहार के हिसाब से एक नियमावली है, उस नाते से अप्लाई करते हैं। जब भी अप्लाई करेंगे, अगर वो ड्यू होगा तो मिलेगी, नहीं ड्यू होगा तो नहीं मिलेगी। देखिए, उसमें हम लोग क्या करते हैं कि जो हमारी आवश्यकता होती है उसको हम पोर्टल पर डालते हैं, अथवा कभी कोई किसान भी अपनी ज़मीन को बेचना चाहता तो वो भी पोर्टल पर डाल सकता है। अगर बड़ा प्रोजेक्ट है उसके अंदर एग्रीगेटर्स जो हैं वो अपना काम करते हैं और एग्रीगेट करके उनकी अपनी कमीशन उनको मिलती है, वो पोर्टल पर डालते हैं। बाद में अगर तो कलेक्ट्रेट के ऊपर ज़मीन मिल जाती है, डिप्टी कमिश्नर अपने ऊपर डिपार्टमेंट जो है उसकी ज़मीन खरीद लेता है। अगर रेट्स कलेक्ट्रेट से हाई होते हैं तो उसमें अप टू 20% की चीफ सेक्रेटरी लेवल पर मीटिंग होती है, मोर देन 20% अगर कहीं रेट आता है तो वो एक मिनिस्टर, मिनिस्ट्री लेवल का जो ग्रुप बना हुआ है उस ग्रुप में वो सारे विषय आते हैं और तब उससे नेगोशिएट करके डिप्टी कमिश्नर उन सब लोगों को बुलाकर रखते हैं और हम भी वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग से बात करते हैं और एक नेगोशिएटेड रेट के ऊपर ज़मीन खरीदी जाती है। क्योंकि अब ये जो लैंड एक्विजिशन का जो एक्ट बना है उसमें बहुत ही कई प्रकार की कठिनाइयाँ उसमें आती थी, लेकिन ये प्रयोग सफल हुआ है। 1000 एकड़ से ऊपर अभी पिछले दिनों में हम खरीद चुके हैं, उसमें जैसे कल भी 2 जेल्स का जो प्रेमिस बनने हैं, नई जेल्स बननी है जैसे फतेहाबाद में और दादरी में, चरखी दादरी में, तो ऐसे दोनों जेल्स की वो ज़मीन वो भी खरीदी है। और भी कई प्रोजेक्ट्स हैं जिसका कहीं फ्लाई ओवर है, कहीं अंडरपास है, कहीं सड़क का काम है, कहीं एक बस स्टैंड की ज़मीन थी वो कल खरीदी है, कहीं विद्यालय के लिए खरीदनी होती है। तो ऐसा जब प्रचारित करते हैं तो उसमें से जो लोग उस एरिए के होते हैं वो अपने आप उसके अंदर ई भूमि में अपनी जो ज़मीन का रेट और एरिया वो सब पहले से डिप्टी कमिश्नर के लेवल के ऊपर फ्री फ्रॉम ऑल इनकम्बरेंसेज वो ज़मीन है तो उसका जो सर्टिफिकेट वो लोड किया जाता है, तो वो ज़मीन खरीदी जाती है। मैंने बताया 92 करोड़ रुपये। देखिए, SC कमीशन का जो गठन हुआ है वो बहुत समय की मांग थी। सामान्यतः इस प्रकार के जो कमज़ोर वर्ग की जो भी हमारे समाज के वर्ग हैं उनके साथ ठीक से न्याय हो, सब तरह का उसको सरकारी चीज़ों की सुविधा उनको मिल रही है, उनकी जो शिकायतें होती हैं समाज की ओर से कमीशन के माध्यम से हमारे तक पहुंचाई जाती हैं और उनकी जो रिकमेंडेशन होती हैं उस हिसाब से हम काम करते हैं, तो इसका एक लाभ समाज को ज़रूर मिलेगा और समाज में सब सरकारी योजनाओं का जो स्कीम्स का लाभ उनको मिले, या समाज की ओर से भी कई बार कोई अपेक्षाएं होती हैं वो हमारे तक पहुंचेगी तो हम उस अनुसार काम करेंगे। देखिए, ये जो राष्ट्रीय उत्सव होते हैं, चाहे वो 15 अगस्त है, 26 जनवरी है, तो ऐसे अवसर पर ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक रीच बनाई जाए और जो भी चाहे शिक्षा जो संस्थान है उनके माध्यम से अथवा जो एडमिनिस्ट्रेशन के माध्यम से कार्यक्रम का आयोजन होता है, पहले केवल 22 जिला केंद्रों पर
प्रदेश की ओर से मनाए जाते थे, अब हमने उसकी संख्या 75 कर दी है। पिछली बार 15 अगस्त 2022 को भी और अभी 26 जनवरी 2023 के ये सभी कार्यक्रम 75 स्थानों पर हो रहे हैं और हम कोशिश करेंगे कि लगातार ये भी कंटिन्यू रखें और आगे कैसे इसका विस्तार किया जा सकता है ताकि बच्चों को स्कूलों में, नौजवानों को भी और बाकी जनता के लोग जितने ज़्यादा वहाँ आएंगे एक राष्ट्रीय उत्सव में एक राष्ट्रीय विचारधारा से, देशभक्ति से विचार जो है वो प्राप्त करते हैं, एक अच्छा प्रयोग। नहीं, कार्यक्रम होगा, बहुत बढ़िया ढंग से होगा, जोरदार होगा, आपको भी निमंत्रण है, आप आइए।